अस्सलाम वालेकुम बहुत ही नज़रात, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत होंगे। भाई आज जो है हम आए हुए हैं मंडी और सुबह के तकरीबन बज रहे हैं 8:15 बजे और इतनी गर्मी है इस वक्त, इस शदीद की गर्मी में हम इस वक्त आए हुए हैं और हमारे साथ एक और बंदा भी मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली उनू भाई, तो नहीं हो आप? चलो आ जाओ, हम मंडी को एक्सप्लोर करते हैं। ओ वाह जी वाह, सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह। बजा रे बजा 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 ना बजा कौन कौन लग रहे हैं? की फिल्मों के गुंडे। हाँ दिखा भाई शकल, दिखा शकल, क्यों छुपा रहे हो? गंदा काम किया है क्या? ये क्या हो रहा है? वो निकल गया यार, क्या हो रहा है ये? कमजोरी से आवाज़ें है। जो चीज तकलीफ देती है उसे निकलवाता है क्यों नहीं? निकलवा दे भाई, निकलवा दे, निकलवा दे। माशाल्लाह से तुम्हारी बेगम तो तुम्हारे दांत देख के मुतासिर हो गई होगी। ये दांत इतने प्यारे हैं, हाँ बोल दिया होगा, ये तो लौंडा मेरा है। क्या बढ़िया था गुरु, इतना बड़ी थे, मेरी गाल सुन, मस्त तो मेरी गाल थे सुन। बंदा ये धोती पहना हुआ, हर जगह से आवाज जा रही होगी नीचे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह। क्या वो टिकटॉक पे नाच रही है देना? सुनो भाई एक बात बताओ, एक मैं अपना पिछवाड़ा दिखाओ। मैं अपना पिछवाड़ा नहीं ना, दिखाओ तो सही, एक मैं कंपेयर कर रहा हूँ। ये देखो ये देखो ये, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये और ये, वो ये सांड का बच्चा, ये सांड है कौन है? ये भैंस का बच्चा है। ये भैंस इतनी पतली कैसे हो गई? ये भैंस इतनी नादिर अली ने डाइटिंग किया, पतला हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही है, ताकि सिक्स पैक एब्स दिख रहे हैं। ओ वाह जी वाह बिल्डर, मेरे को ऐसा लग रहा है पोलियो के कतरे भी नहीं पिए, इतना कमजोर है माशाल्लाह। हाउ एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट, जानवर लेने आए और जानवर भी बड़ा खूबसूरत। ओबे ओबे भाई, अभी इस बछड़े ने आपकी बजा दी। सोनू भाई इस गाय को देख के आप क्या बोलना चाहोगे? यार ये पाकिस्तान की मईशत लग रही है, कितना माशाल्लाह से कमजोर जानवर है, 8 दांत की लग रही है शायद। 8 दांत नहीं मामा, कितने बोल रहा है इसके? हाँ 65। वाह जी वाह, देने वाली गल करोगे तो कितने में दोगे? बोलो सोनू भाई, बोलो बोल दो, बोल दो ना। उन्होंने भी बोल दिया, हम भी बोल देते। देखो ना पाकिस्तान की मईशत अगर कम पैसों में मिल रही तो ले लो। 30-35 में मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। ये कौन है, वर्कर है आपका? मेरे को तो जकूटा जीन लग रहा है। अबे माशाल्लाह दांत तो माशाल्लाह खूबसूरत है यार, वो बकरा है यार ये तो, वो 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 वाला है। 50 में छोड़ देगा? क्यों नहीं छोड़ोगे 50 में? ऐसा क्या 50 में, 65 में तो वो गाय मिलनी है। 65 में बकरे में कितना हिस्सा होता है? 1 हिस्सा होता है, गाय में 7 हिस्सा होता है। वो 55 में वो गाय दे रहा है यार, आओ मैं दिलाऊं तुम्हारे को। अबे ये कराची में आके तुम सारे गुटके वहां पे खाने लग गए हो। ये देखो गुटका अभी भी चल रहा है, मुंह से सुपारी निकाल कर रहे बात कर रहे बाबा। देखो ये देखो ये देखो ये क्या है, आ आ करो आ। भाई मुझे चाहिए था बकरा, और बकरा जो है वो इतनी आसानी से मिलता नहीं है। और हम लोग इस वक्त है नौरानी मंडी के अंदर, नौरानी मंडी के अंदर हो सकता है बकरा सस्ता मिलता है, क्योंकि मैंने पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी बकरा ले लेके लोगों को बेचा है। और 15,000 का बकरा लेता था, 16-17,000 में बेच देता था। 15,000 वाले बकरे तो 50,000 मांग रहे, क्या बात कर रहे हैं? अभी वो सीन चल रहा है ना, अभी पता नहीं क्या इतनी महंगाई क्यों हो गई है। अभी जरा देख, सुनो भाई एक बंदा पीछे खड़ा है और वो ऐसा लग रहा है कि ना वो सिंधी फिल्म होती ना, ओ मैं तेरी बहन दे छेड़ा, पंजाबी हो नहीं, वही पंजाबी टाइप लग रहा है। वो देखो सामने खड़ा, दिखा फुल बड़ा सा है और फुल खतरनाक लग रहा है। आओ इससे बात करते जरा, आओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा, की हाल है? हीरो लग रहा है यार, हीरो 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 हीरो। ये देखो बैठा तो कैसे बैठा, ये तो फुल बिल्डोजर है यार। चांद नीचे, ओ भाई ओ भाई, ओबे भाई उसकी डॉग, ओ भाई मेरी फटी। हां बाबा ये कितने का दे रहा है भाई? हमें चाहिए। हां हां, जोड़ी कितने का या सिंगल कितने का? सिंगल बता, सिंगल। डर क्यों रहा है 40 चपलन के छोटे भाई, जल्दी बता। नहीं जोड़ी 42 का, 45 का है, एक 15 का देगा, 16 का, 17 का? इतने पैसे बढ़ा रहे, तू भी आएगा क्या? तेरे को भी घर लेके जाएंगे क्या? एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अबे एक बात बता, 45 में तू भी चलेगा मेरे साथ? अबे भाई देने वाली गल कर बता। ये देख जंगली बकरा है, ये देख कितना बाल है इसका, जंगली बकरा है ये। छोड़ बे, तूने बहुत पैसा लगा दिया इधर, बिला वजह ये बोलेगा चल ले ले। छोड़ दे यार तूने, हमने बहुत पैसा लगा दिया, पागल हो गया क्या? इतना पैसा क्यों लगा दिया? अबे तेरे पैसे तो जेब में भी नहीं है, तुमने 15 है मेरे पास। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बोल बोल 35 भाई। अबे 35 में तो इसकी शादी हो जाएगी। अबे 35,000 में, 35,000 इसके पास नहीं है, 35,000 आएगा ये शादी करेगा पहली फुर्सत में? 10 लाख में नहीं होता शादी, सही बोल रहा है, नहीं होता शादी, फिर तो इसका मतलब मेरी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। क्या बोला?
कितने का कितना बोल रहे हैं? 26 फाइनल 10 देगा? कितने देगा बताओ फाइनल? कम तो करेगा ना कुछ? 10,000 12 ठीक है 12 छोड़ बे, तू पैसे बढ़ाया जा रहा है तेरे, ऐसा लग रहा है अबे तो मेरे पास IMF से कर्जा लेकर आयो। 17,000 रुपए है मेरे, पागल हो गया सोनू? अबे चीख चीख के तू बता दे 17,000 है मेरे पास, 17,000 है अबे पागल हुई है क्या, दिमाग खराब है? अबे भाई उनको क्या पता 17,000 हर बंदे में खींच रहा है, ये ले लो ये ले लो ये ले लो। रुको रुको रुको, कभी भी अकेले नहीं खाते। हाँ पूछ के खाते, रंच खाओ रंच के खाओ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं भाई? ये माशाल्लाह पिछवाड़ा चेक करें, इसके अंदर होती है फुल चर्बी, फुल पिछवाड़ा, ये ढुमुक 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 पिछवाड़ा, ये एक पिछवाड़ा, ये और एक पिछवाड़ा, ये। वाह क्या सीन है, कितने में छोड़ेगा ये? 22 मिनट। अबे 22 बोला अभी, 28 ये इसने कैमरा देख के ज्यादा पैसे बढ़ाया पता है आपको? हाँ कितने में छोड़ेगा जल्दी से बता, देने वाली गल कर, देने वाली देगा 15 तो मैंने इसका चुम्मा भी ले लिया, अब तो दिल कर, अब तो दे दो बेटा चुम्मा भी ले लिया, 15,000 में दे दे बस, दे दे 15,000। 17,000 ठीक है, 17,000 का मुर्गी का बच्चा नहीं मिलता है, ये तो दुम भाई कैसा मिलेगा दो दांत है। छोड़ दो सुनो भाई, उसने हमें कर दिया रोस्ट। नहीं हम नहीं दे दिया ना, हम नहीं देगा, हम नहीं देगा, भूल जाओ। देने वाली गल कर, ये वाला बकरा बता कितने का देगा तू? देने वाली गल कर, ये वाला बकरा बता। 35,000 में जीरो कितने लगते हैं पहले मुझे सिफर बता पहले। 35,000 में जीरो कितने लगते हैं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। यार सोनू भाई थक गए यार, बकरा मिलके ही नहीं दे रहा। बकरा नहीं मिलेगा जितने हम पैसे लेके आए भाई, यहाँ पैसे ऐसा लग रहा है 17,000, ऐसा लग रहा है 17 रुपए लेकर आए हम। 17 रुपए लेके आए माशाल्लाह, वो भी हमें देख के ऐसे, वो तो तुम्हारे साथ तो हमारे पास पैसे, चारों को कैसे ऐसे है देख के हंस रहे हैं सारे बैठ के हमारे ऊपर, मजाक उड़ा रहे हैं हमारे बकरा। मेरा बकरा नहीं ले पाऊंगा। 50 रुपए काटो ओवर है, चलो अभी भी ढूंढते हैं, कोशिश होती है कि मिल जाएगा तो मिल जाएगा, वरना फिर अगली दफा आएंगे। पीछे तो देखो इधर, पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। देखा। कितना बोल रहा है इसका? इसका हाँ, इसका 25,000, इसका भी 25,000। ये तो शुरू होते ही खत्म हो रहा है यार। आप क्या देगा? हम नहीं देगा, भूल जाओ। हम देगा एक दाम बोलेगा। हाँ एक दाम 12,000। भाई 12,000 में मिलेगा? 12,000 में बिल्कुल सही है, देख खीरा तो नहीं लग रहा है? नहीं नहीं खीरा नहीं, सबके दांत लाल हैं यार माशाल्लाह से, लाल है वो जैसे गामी में लाल है, लाल लाल है, लाल है, लाल है तुम्हारा दांत लाल है। ठहरो बे ठहरो, ये क्या है? माशाल्लाह जेब वेब बनाई, दिखा दिखा। वाह जी वाह, पैसा जमा हुआ है। अबे सही जगह जेब बनाई यार इन्होंने, चालाक आदमी है। हाँ सही है, ये वजन में जरा ज्यादा लग रहा है। हाँ ये वाला ज्यादा लग रहा है, दे दे यार बस, अब रस्सी भी खोल ली अब तो दे दे। हाय मुझे तो सही लग रहे हैं सोनू भाई, सही लग रहे हैं। बेकार से बेकार का पूछो, ये सामने खड़ा है किसी से भी आप पूछ लो जोड़ी का, आपको रेट का खुद पता चलेगा। चाइना की चुड़ैल, चाइना की चुड़ैल, मैं जीनू, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, आजा आजा आजा, मेरा चुड़ैल, मेरी चुड़ैल, मेरी है, मेरी है, मेरी है। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना भाई। मंडी में ख्वार हो गए, बहुत गर्मी हो रही है कोई शदीद किस्म की, मेरी तो फुल हालत खराब हो चुकी है, सोनू भाई की भी हालत खराब हो गई है। अभी हमें एक और जगह पे जाना है, पता नहीं कैसे जाएंगे, तो चलते हैं भाई दूसरी जगह पे। एक बात समझ नहीं आई मुझे, लोग पता है क्या बोल रहे हैं? लोग बोल रहे हैं यार आप सोनू भाई की ना रिस्पेक्ट नहीं करते, ये क्या सीन है यार? मैं बोलूं यार हम क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते यार, हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो मतलब मैं रिस्पेक्ट नहीं करता वो अलग बात है, मैंने सोचा आज सोनू भाई की रिस्पेक्ट करनी है, तो अभी मैं बताता हूँ रिस्पेक्ट सोनू भाई की कैसे होती है। ये देख आप लोग कहते थे ना इस बंदे की हम रिस्पेक्ट करें, तो आज मैंने सोचा आज बंदे की हम, रुक तो जाओ मार मार के नहीं, अभी देखो अब तक मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, मगर अब मैंने सोचा नहीं यार अब सोनू भाई की रिस्पेक्ट करनी है यार, बहुत बुरा लगता है यार आपको, अरे आपको क्योंकि बहुत बुरा लगता है, अरे बस मैं तो दे पगले, लाओ मैं आंसू साफ करूं पे। हाँ। ये लो आओ 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 आओ, एक मिनट आओ 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 और आ गया, हाँ आ जाओ एक मिनट, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सफाई नहीं हुई सही, आओ आओ
बेटा आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर लिया अभी मैंने, देखो पूरी जगहें साफ की हैं आपके लिए मैंने। यार ये वहां से पोछा भी नहीं लगाया यार, पोछा लगा दे। पोछा मैं आपसे लगवाऊंगा। जिस वजह से हम इसको विजिट करने आए हैं तो जरा बताओ क्या मतलब क्या सीन है, इस जगह का क्या नाम है और क्या है? ये सीनियर सिटीजन लाइफ केयर होम है। सही है। यहाँ पे ऐसे जो ओल्ड एज लोग होते हैं जिनके घर में कोई उनकी टेक केयर करने वाला नहीं होता, सही है, या फिर उनके बच्चे बच्चे सब बाहर चले जाते होता है ऐसे, तो आजकल तो बच्चों को भाई ये बंदा है एक मिसाल है कि इस बंदे के पास बहुत पैसा है ना, बहुत नोट है। अब वो बंदा मतलब उसके पास कोई बात करने वाला ही नहीं है बेटा, नोट से यार कुछ नहीं होता, सिर्फ वो कहते हैं ना पैसा सब कुछ हो जाता है, कोई नहीं होता, बंदा ही नहीं होगा, खर्च किस पे करोगे? होम लेकिन सीनियर्स के लिए, सीनियर्स चलो बाहर। मैं भी तो सीनियर हूँ ना, बुढ़ा तो मैं भी हूँ। आओ वैसे इनके सफेद बाल भी आ रहे हैं, बहुत आ रहे मेरे, तो इनको भी रख लो यार, इनको भी रख लो, मुझे भी यहाँ रख लो, मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का। बेटा यहाँ पे ना, यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है कि आप यहाँ पे इनका हदिया वगैरह भी होता है, मतलब थोड़े बहुत पैसे कैमरामैन है उसका गुर्दा भेज दूंगा मैं, पैसे आ जाएंगे बस। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो अभी पूरा घर हम विजिट करते हैं, आओ जरा इधर आओ, आओ मेरे साथ आओ, देखते हैं क्या सीन है। भाई ये पहला रूम है और इस पहले रूम के अंदर हम आए, तीन बेड लगे हुए। भाई सीनियर सिटीजन लाइफ केयर होम में, हम नाम सुन रहे ना तो हमें ऐसा लग रहा है गंदी सी मैली सी अजीब सी जगह होगी, है सही बोलो ना सोनू भाई? जैसा कोई अजीब सा मैला सा बंदा वहाँ ऐसे घूम रहा होगा, अजीब सी हालत होगी, इस तरीके का एक बंदा होगा। तो कहने का मकसद ये है बड़ा अच्छा साफ सुथरा एक माहौल है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस पे बैठ के हम पूरे 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 घर का ना हम विजिट करते हैं। चलो भाई आ जाओ, बुड्ढा बुड्ढा फीलिंग आ रही है, वैसे ही बुड्ढा आदमी है ये। आओ भाई आओ, आओ आओ। अंकल आपको कहाँ छोड़ के? अंकल आपको कहाँ छोड़ो यार, वहाँ पे जन्नत दिख रही है, बदतर घूर वहाँ छोड़ दे बेटा। अच्छा वहाँ छोड़ो अंकल, वो आप मरने वाले हो, बस थोड़े देना आपके। हाँ कोई इशू नहीं है, घूरे भी तो आएंगे। अच्छा ये वाले कमरे में चलते हैं, आओ इधर आओ, ये अबे लो टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हो गया हमारा। चलो भाई चलो मैं लेके जा रहा हूँ आपको। अबे इधर तो व्हील चेयर भी नहीं जा रही, तुम बहुत मोटे हो गए बेटा। सुनो भाई मोटा तो ये दूसरा है हमारा रूम, बड़ा अच्छा कोई किस्म का। अबे वो बस कर दे जवान हो जा, ड्रामेबाज ड्रामे कराने हो ना सोनू भाई को ले आओ कहीं पे। सबसे बड़ा ड्रामेबाज आदमी है, जानबूझ के शरीफ बनता है ये। इस बंदे की शक्ल देखें, अंदर से इतना डैश है ना ये बंदा, क्या बताऊं अंदर से हर कोई डैश होता है, देखो बताता कोई नहीं है। डैश खाली जगह पूर करें, वो आप पूर्ण नहीं कर सकता ना। हाँ तो भाई अभी हम आ चुके हैं जेंट्स वाले पोर्शन में, और जेंट्स वाला पोर्शन भी यार बड़ा कोई टाइट किस्म का पोर्शन है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जेंट्स वाला पोर्शन ज्यादा खूबसूरत नहीं है, लेडीज वाले पोर्शन नहीं, दोनों अच्छे हैं वैसे, मतलब ये भी अच्छा खूबसूरत होते हैं यार, मर्द तो ऐसे ही बोलते हैं कि मर्द खूबसूरत होता है, औरत खूबसूरत होती है। वाह 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 वाह, क्या बात कर दी। टीवी टीवी देख, टीवी देखना आपको, टीवी न्यूज़ चैनल चल रही होती है, इंटरकॉम भी लगा हुआ है और कुछ और। ये है जेंट्स का रूम और ये भी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत। और यार एक बात बताओ, एक बात बताओ कैमरे क्यों लगे हैं? कैमरा यार ये ओल्ड होते हैं, इनको एकदम इमरजेंसी हो जाती है, कभी बीमार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो एक दिन इन पे नजर रखनी पड़ती है कैमरे पे ना, क्योंकि यार सी बात है एज ऐसी होती है तो एकदम कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोग भी इधर आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो मैंने सारी लोकेशन और सारे डिस्क्रिप्शन में हर चीज मौजूद है, वहां से जाके देख भी सकते हैं, वेबसाइट में इनके सारी चीजें डिटेल्स वगैरह मौजूद है। मिलेंगे किसी और अपने पन के साथ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।